चैनल बेस्ट आइडियाज विद सना। तो कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सो आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन और अफोर्डेबल फेशियल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने के साथ साथ प्राइस में भी मुनासिब है। सो आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि ये कौन सा फेशियल है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, आप इनको किस तरह करेंगे और इनका रिज़ल्ट क्या है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। सो चलते हैं आप वीडियो की तरफ। तो आपको बताऊं कि ये जो फेशियल है, ये डर्मा सेशन का फेशियल है। जी गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, अच्छी है ये, बहुत ही अच्छी बेहतरीन कंपनी है और इनका फेशियल उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। ब्रांडेड इनका फेशियल है, कोई ये एक लोकल प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। गाइस, इतने अमेजिंग रिज़ल्ट हैं इस फेशियल के कि मैं आपको मज़ीद बता ही नहीं सकती। यकीन मानिएगा कि इसका जस्ट एक क्लींज़र ही यूज़ जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। सो आपको मैं बताती हूँ कि ये डर्मा सेशन जो कंपनी है, इसके फेशियल का जो फर्स्ट स्टेप है वो है क्लींज़र। जी गाइस, और ये ऑल टाइप स्किन के लिए है, एक्नी स्किन वालों के लिए भी, वाइटनिंग, ऑयली, नॉर्मल, ड्राई, मतलब ऑल टाइप स्किन्स के लिए ये वाला फेशियल है। तो आप इसको मस्ट ट्राई करें। और अगर आप मतलब कोई अच्छा सा क्लींज़र चाहते हैं, जो आप ख़ास तौर पर सर्दियों में जिनकी स्किन ड्राई हो जाती है या जिनकी समर्स में स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो वो लोग इस क्लींज़र को जो है वो सेपरेट भी डेली बेस पर या एक छोड़ के एक दिन अपने स्किन केयर रूटीन में इसको यूज़ करें तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये स्पेशली गाइस अल्ट्रा ग्लाइकोल क्लींज़र है, ये आपकी स्किन से रिमूव करता है इम्प्योरिटीज़ को जो आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा आजकल मतलब जैसे पोल्यूशन है, स्मोग है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप एक वीक में इसको 2 times अप्लाई करें तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट एंड ग्लोइंग हो जाएगी और इसकी प्राइस भी बिल्कुल ही मुनासिब है। और इसके यूसेज जो है वो बैक साइड पे मेंशन है और इसके साथ ही साथ गाइस यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स भी मेंशन है, एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर दी गई है और बारकोड भी दिया यहाँ पे दिया गया है। और ये पाकिस्तान की कंपनी का है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये फेशियल है गाइस, कि आप जितने सैलोंस में जाके बड़े बड़े फेशियल मतलब एक्सपेंसिव फेशियल करवाते हैं, तो ये वाला फेशियल आप करवाएंगे तो आप वाकई कहेंगे कि आपने वाकई कोई अच्छा और एक्सपेंसिव फेशियल जो है वो करवाया है और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट के साथ है ये वाला फेशियल। तो ये जो इसका क्लींज़र है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने बाय कहाँ से किया है और इस ये मुझे मतलब कितनी प्राइस में ये मुझे मिला है। सो गाइज़, ये वाला जो मैंने फेशियल है, दरअसल मैं हाल ही में गई थी एम्पोरियम मॉल, तो ये मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। उन्होंने मतलब ये डर्मा सेशन की जो कंपनी थी वहाँ पर उन्होंने ये फेशियल जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए वहाँ पर इन्होंने जो है ये कंसेशन पे सेल लगाई हुई थी, तो मैंने वहाँ से ये बाय किया। सो मैंने पहले इसके 2 pair बाय किए कि मतलब मैं चेक कर सकूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, देन फिर मैं अपने नाज़रीन से इसका पूरे फेशियल के बारे में इसका रिव्यू करूँगी। तो मैंने वहाँ से ये क्लींज़र और ये मास्क जो है इसका ये बाय किया था, क्योंकि ये फेशियल के मास्क जो है ये तो मेन इसका स्टेप होता है फेशियल का, और क्लींज़र जो है वो मैंने डेली बेस पर यूज़ करने के लिए बाय किया था। तो उन्होंने साथ मुझे एज ए टेस्टर के लिए ये जो है बाकी फेशियल के जो पीसीज हैं वो भी दिए। इट्स मीन कि ये कंप्लीट फेशियल जो है ये मेरे पास इस टाइम मौजूद है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी इसके बारे में सारा शेयर करूं, बताऊं कि ये कैसा है। तो मैंने इनका मास्क भी सेपरेटली यूज़ किया, इससे क्लींज़र भी यूज़ किया, और जो बाकी फेशियल्स की सारी चीज़ें हैं वो वाली अभी तक मैंने यूज़ नहीं की, वो आपके सामने आज आपके सामने यूज़ करूँगी, आपको करके सामने दिखाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। सो गाइज़, मैंने अब तक क्लींज़र और मास्क दोनों यूज़ किए हैं, अमेजिंग बेस्ट रिज़ल्ट है इसके मास्क का भी और इसके क्लींज़र का भी। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले इसके क्लींज़र की तरफ। तो इसका सबसे पहले हम क्लींज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लींज़र जो है वो इसके इस फेशियल स्टेप में भी है। सो हम क्लींज़र जो है वो यहाँ से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लींज़र को यूज़ करने के लिए ये है क्लींज़र, इन सारे पैक्स को हम अलग कर लेते हैं। जी गाइस, ये इनकी यहाँ पे इन्होंने ये वाउचर्स दिया है
तो यहाँ पे इनके तीन तरह के जो फिशेस किट हैं, एक ये आप देख सकते हैं, सेकंड विटामिन सी का है और थर्ड 24K गोल्ड का। सो गाइज मैंने इनसे पूछा तो ये तो सीरीज जो है इनकी अभी लॉन्च नहीं हुई है, ये बहुत जल्द हो जाएंगी लॉन्च, लेकिन अभी फिलहाल ये वाली है। सो मैंने इसके बारे में आपको बताना बेहतर समझा कि एक फेशियल, अच्छा फेशियल हम सबके लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। सो आप लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो आपको आज मैं इसका क्लींजर भी कर दिखाती हूँ कि सबसे का क्लींजर का रिजल्ट कैसा है, और आप देखिएगा, अपनी रिंग में उतार लूँ और आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जल्दी जल्दी से हम करेंगे। आप सबसे माजरत करती हूँ कि मैं आपको खुद सामने आके नहीं करके दिखा सकी, सो इसलिए मैं इसको हैंड पर अप्लाई करके दिखाऊंगी, और क्योंकि आपको इसका इस तरह रिज़ल्ट भी आपको इजीली इसका शो हो जाएगा, क्योंकि ऐसे आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और हैंड पर आपको इसका वाजिया जो है वो रिज़ल्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसका हैंड पर ये थोड़ी सी अमाउंट में इसका क्लींजर लूँगी जी गाइस। ये अब मैं इसका क्लींजर जो है वो आपको भी करके दिखाती हूँ कि इसका क्लींजर का जो रिजल्ट है वो कैसा है। आप देख रहे हैं कि कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है, और हल्का सा इसको हम पानी से गीला करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है। आपको भी इसका अच्छे से रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह अपनी फिंगर्स और हैंड पर इसका मसाज कर रही हूँ, सर्कुलर मोशन में। आपने भी इसी तरीके से करना है। बहुत ही अच्छी स्मेल है इसके क्लींजर की जी गाइस। तो यहाँ पे मैंने अब क्लींजर को रिमूव कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि एक क्लींजर से ही मेरे हाथ में कितनी ज़्यादा मतलब फ़र्क आ गया है। आप मेरा ये वाला हैंड देख सकते हैं, और ये वाला हैंड भी देखें कि कितना ग्लो कर रहा है मेरा ये वाला हैंड, कितनी इसमें शाइनिंग आ गई है और कितनी वाइटनिंग भी इसमें आ गई, बिल्कुल स्मूथ मेरा हैंड हो गया। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसके क्लींजर से आया है। अब नेक्स्ट स्टेप अब हम इस पर जो अप्लाई करेंगे वो है इसका स्क्रब। तो ये वाइटनिंग माइक्रो एक्सफोलिएटर स्क्रब है, विटामिन सी एंड ग्रीन टी ट्री एक्सट्रैक्ट के साथ है ये। तो अब हम इसका स्क्रब करेंगे। तो अब स्क्रब के स्टेप की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी अमाउंट में इसका स्क्रब लूँगी जी गाइस। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इसकी थोड़ी सी अमाउंट में इसकी स्क्रब लिया है। इतनी लाइट वेट सी स्क्रब है गाइस, कि आपने देखा होगा कि जो स्क्रब है उसमें पार्टिकल्स जो हैं वो वाजिया तौर पे नज़र आते हैं, बल्कि इसमें बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, शायद आपको नज़र आ रहा हो, बिल्कुल बारीक, ऐसे लग रहा है जैसे कोई पाउडरी टाइप फॉर्म में इसमें स्क्रब के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल किए गए हैं। तो अब मैं इसके ऊपर स्क्रब जो है वो सर्कुलर मोशन में अपने हैंड पर अप्लाई कर रही हूँ, तो साथ साथ हल्का सा हम वेट भी अपने हाथ को कर लेंगे, और इस तरीके से मैं अब आपको स्क्रब भी इसका करके दिखाऊंगी, और अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा निकला है जी गाइस। तो इसकी स्क्रब अब रिमूव मैंने कर दी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना अमेजिंग रिज़ल्ट आया है। आप खुद देख सकते हैं कि मेरे हाथ पे कितनी वाइटनिंग एंड ग्लोइंग आ चुकी है इस एक स्क्रब यूज़ करने से और क्लींजर यूज़ करने से। और आप देख सकते हैं इसके वाइट वाइट बिल्कुल, ये मतलब सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो ये स्क्रब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। बहुत ज़्यादा इसके वो जो है ना पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को वो रेडनेस नहीं करते, तो ये बेस्ट स्क्रब है। आप वाजिया फ़र्क देखें मेरे दोनों हैंड्स में। और मैं आपको बताऊं कि मतलब ये वाला जो फेशियल है ये आपके लिए इस लिहाज से भी मतलब बेस्ट है, जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल है वो इसको मस्ट यूज़ करें। ओपन पोर्स के लिए भी ये बेस्ट है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये सामने मैंने ब्लीच क्रीम भी रखी है, स्विस ट्रीटमेंट की ब्लीच क्रीम, जिसकी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, और अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए दिखाई है कि आप अगर क्लींजर के बाद ये वाली ब्लीच जो है करना चाहें, तो आपने इस ब्लीच को क्लींजर के बाद करना है। अगर ये नहीं तो कोई भी दूसरी भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन को ब्लीच की ज़रूरत है तो आप मस्ट ब्लीच करें, क्लींजर के बाद आपने ब्लीच करनी है, देन फिर आपने जो है स्क्रब करनी है।
तो यहाँ पे मैं ब्लीच वाला स्टेप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ब्लीच वाला स्टेप जो है जब फेस पे अगर ज़रूरत होगी तो मैं इस स्टेप को यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ। आपको दिखाने के लिए ये मैंने सामने रखी, और अब इसका क्लींजर कर लिया, इसकी स्क्रब हमने कर लिया, एंड मेरे पास कोई इस टाइम जो है वो सैम्पल नहीं था जिस पे मैं अप्लाई करके आपको दिखा सकती, तो इसके लिए फिर से एक बार माजत करूँगी। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा कौन सा है वो देखते हैं। तो जी गाइस, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मसाज क्रीम। तो अब हम मसाज क्रीम का मसाज करके देखेंगे और इसका टेक्स्चर देखेंगे कि ये किस किस्म का है। तो यहाँ पर चेक करते हैं इसका टेक्सचर। सो ये भी वाइट कलर का है और क्रीमी टेक्सचर है, सूथिंग एंड मॉइस्चराइजिंग के लिए है ये स्पेशल। तो यहाँ पे मैं अब इसको यूज़ करूँगी और इसको अप्लाई करूँगी। जी गाइस, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही अमेजिंग है, इसका टेक्सचर भी बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल फेशियल, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है इस फेशियल की। स्मेल के साथ साथ इसका रिज़ल्ट भी अमेजिंग है गाइस। अब मैं अपने हाथ को साथ साथ हल्का सा गीला भी करती जाऊंगी ताकि अच्छे से मसाज हो, और अब ये मसाज करके इसको रिमूव करके देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है। जी गाइस, तो मसाज क्रीम यहाँ पे मैंने रिमूव कर दी है और रिज़ल्ट आपके सामने है, लाजवाब रिज़ल्ट। जैसे जैसे फेशियल्स के स्टेप होते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका जो रिज़ल्ट है वो भी अमेजिंग होता जा रहा है। स्किन में इतनी ग्लो, इतनी सॉफ्ट और इतनी हाइड्रेट हो गई है, ये आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कैसा फेशियल है। सो अब हम इसके जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ, इसका यहाँ पर एक स्टेप और भी है, वो है स्किन पॉलिश। सो वो स्किन पॉलिश अभी इनमें अवेलेबल नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला मैं जल्द ही इसकी जो बाकी पैकेजिंग है, ट्यूब पैकेजिंग, वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ऑर्डर करूँगी, और वो पूरी फिर सीरीज़ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा से आपको जो इसकी पूरी किट है वो शो करूँगी। अभी मैंने मतलब इस सीज़न के लिहाज से आपके साथ जल्दी जल्दी रिव्यू करना बेहतर समझा कि आप भी इसको मस्ट ट्राई कीजिए और इससे जल्दी जल्दी फ़ायदा उठाएँ। तो अब ये तीन स्टेप्स हो चुके हैं और लास्ट स्टेप जो अब हमारे पास बचा है वो है मास्क का। तो अब इसके मास्क के बारे में आपको बताऊँ कि ये पावर फुल फेशियल डीप और क्लींजिंग मास्क है, स्पेशली व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स वालों के लिए बहुत बेस्ट है। इसका काम ये नहीं कि आपके व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स रिमूव करेगा, बल्कि उनको बनने ही नहीं देगा, आपके पोर्स को जो है वो क्लोज कर देगा, आपके पोर्स को श्रिंक करेगा, और आपकी स्किन इतनी हाइड्रेटिंग, सॉफ्ट, स्मूथ हो जाएगी कि आप वाकई कहेंगे कि हम स्किन पे हमने कुछ अप्लाई किया है। तो अब बहुत जल्दी जल्दी इस मास्क को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इस मास्क का रिजल्ट कैसा है। तो ये मास्क अप्लाई करने के लिए इसको सबसे पहले ओपन करेंगे, क्योंकि ये अंदर से इस तरह की पैकेजिंग में है। तो अब इसको पहले सबसे पहले हम रिमूव करेंगे, और आपको बताऊं कि ये जो मास्क है ये मड मास्क है, इसीलिए यहाँ पे ये लगाया गया है ताकि जो है ना ये मास्क ड्राई मत हो। तो आपने इसको यूज़ करने के बाद जो है ये दोबारा से लाजमी लगाना है, अदरवाइज़ फिर ये मास्क है ये ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम थोड़ी सी अमाउंट में इसको यहाँ पर लेंगे, ये अच्छे से अपने हाथ पे ये सारा मास्क पे हम लगा देंगे, और अब इसको दोबारा से वैसे ही इसको बंद कर देंगे। गाइस, मैंने इसको फेस पे अप्लाई किया, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया। अब मैं इसको हैंड की मदद से ही इसको अपने पूरे हाथ पर लगा देती हूँ। आपने इसकी एक लेयर जो है वो अपने सारे हैंड पर आपने इसको अप्लाई कर लेनी है, इसकी एक लेयर इस मास्क की। मैंने इसको फेस पे यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने ज़रा थोड़ी कम लेयर ली है क्योंकि ये फेस का फेशियल है, लेकिन मैं फिर भी आपको हैंड पर लगा कर दिखा रही हूँ तो ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि इसका जो रिज़ल्ट है वो किस तरह मिलता है। तो वैसे तो मतलब हैंड्स एंड पेडिक्योर मैनीक्योर फेशियल्स और तरह के होते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ऐसे आपको अंदाज़ा एक हो जाता है इंसान को कि ये इसका रिज़ल्ट किस तरह का है। तो यहाँ पे मास्क मैंने सारे अपने हैंड पे अप्लाई कर लिया है, अब वेट करेंगे कि इस मास्क का रिज़ल्ट कैसा है। तो आपने इस मास्क को 10 से 15 मिनट तक इसको आपने अपने फेस पर लगा रहने देना है, जैसे ये ड्राई हो जाएगा देन फिर इसको रिमूव करके देखेंगे कि इस मास्क का रिज़ल्ट कैसा है। सो अब इसके रिज़ल्ट फाइनल की तरफ हम जाते हैं। सो कुछ देर वेट करने के बाद अब ये मास्क जो है ये ड्राई हो गया है, अब इसको रिमूव करते हैं और रिमूव करके देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा निकला है। जी गाइस, तो यहाँ पे मैंने मास्क रिमूव कर लिया है और फाइनल रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है। अगर आप इसके साथ जो है ब्लीच करेंगे तो और भी रिज़ल्ट
डबल हो जाएगा। तो आपको अब दिखाती हूँ दोनों हैंड्स का फ़र्क, आप खुद देख सकती हैं कि मेरे इस हैंड में और इस हैंड में कितना वाजिया फ़र्क है, इसने कितना बेहतरीन और अच्छा रिजल्ट दिया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको मस्ट ट्राई करें। और आप चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ। सो गाइज, इसका जो एक पेयर है वो 350 का, इसका आपको एक पेयर मिलेगा अगर आप सेपरेट बाय करना चाहते हैं। और अगर मतलब आप पूरी सीरीज लेंगे तो इसकी सीरीज आपको तीन तरह की सीरीज में आपको ये मिलेगा। एक तो आपको ये सेपरेट मिल जाएगा, और सेकंड जो है इसमें आपको इसके 5 पेयर मिलेंगे, और फिर वो आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी 1700 की, और उससे ज़्यादा जो है वो फिर आपको मतलब जो बड़ी सीरीज है वो 2400 की। इस तरह इसकी तीन तरह की सीरीज बनती हैं, यानी तीन तरह से मुराद हैं कि ये फेशियल के फिर स्टेप्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो जो सबसे शॉर्ट सीरीज है वो मैंने आपके साथ जो सारी मैंने आपको बताई है कि ये सारी हैं। और नेक्स्ट सीरीज में जो है इसका सीरम भी है, और इसकी स्किन पॉलिश भी है, इसकी ब्लीचिंग भी है, यानी ये सारी चीज़ें इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो शामिल होती चली जाती हैं। तो आप इसको मस्ट ट्राई कीजिए। अगर आप पूरा फेशियल नहीं बाय कर सकते हैं तो इसका जो है इसका मास्क, इसका क्लींजर, वो चीज़ें जो डेली बेस पे यूज़ होती हैं वो मस्ट ट्राई कीजिएगा। अच्छा क्लींजर है इसका, अच्छी स्क्रब है। तो अगर आप बाय करना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दी है, आप इजीली इनकी वेबसाइट से या फेसबुक से इजीली इसको परचेज कर सकते हैं। और मुझे इस वीडियो के बारे में लास्ट में कमेंट करिएगा कि अगर आपने इस फेशियल को यूज़ किया तो आपको इसके रिजल्ट कैसे मिले हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को एंड करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं हमेशा से आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो और अफोर्डेबल प्राइस की जो वीडियोस हैं आपके लिए बेस्ट वीडियोस हों वही आपके लिए।